इसके पीछे मुझे तो किसी की साजिश लगती है। सर, मुझे नहीं लगता है कि यह पेड़ खुद ब खुद यहाँ गिरा है। किसी ने काट कर हमारा रास्ता ब्लॉक किया है। चलिए सर, हमारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। सर, मैं आपके साथ हूँ, आप इनकी बातों पर मत जाइए। ये पिछली बार शायद भूल चुके हैं, इस बार इन सबकी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। खाल उधेड़ने वाली बात तो सही है, पर इसकी या उनकी। उन्होंने तरुण सर को उठा लिया सर। जानता हूं, सोचा था वो लोग जगह छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन वहीं छुप कर बैठे हैं सबके सब। सो दे आर वेटिंग फॉर अस। दिस इज अ जीपीएस वॉच। तुम जाओ, हमारे लोग तुम्हारा पीछा करते हुए आएंगे और तुम्हारे पकड़े जाने के बाद हम तुम्हें ट्रेस कर लेंगे और उनका नामो निशान मिटा देंगे। स्टॉप, ज़ूम कर। पूरी फोर्स को अंदर भेजा हुआ है सर, उनका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश से काम नहीं चलेगा, उन्हें ढूंढ कर लाओ मेरे पास। यस सर। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, बारिश की वजह से पहाड़ी की बुरी हालत है सर, इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते। आंखें तो देखो, बाप बच्ची स्वस्थ है ना? देखो देखो देख, आ गई तेरी परी जैसी बहन। अरे वाह मेरी परी, देखिए बेटी पैदा हुई है। अब हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। Mm-hmm.
सर। ये कौन सी जगह? सर ये रिजर्व फॉरेस्ट है, हाथियों का इलाका, 40 किलोमीटर दूर है। यस। कम से कम हमारे 10 आदमियों को इस जगह पर फौरन भेजो। पिछली बार 300 लोगों को भेजा था, फिर भी उन सबको नहीं मार पाए थे। जो कहा वो करो। बेटी चाहिए बेटी चाहिए की रट लगाता रहता था, आखिर कर ही दिखाया तुमने। हमारी आधी जनसंख्या तो तुम्हारे ही वजह से है। जरा इसकी खुशी तो देखो। कड़म्बा कहां पर है? वो पहरे पर है। आपका ठिकाना उन लोगों को पता चल गया, आप लोग भाग जाइए यहाँ से, जल्दी कीजिए। काम करो, बम फेंक दो इनके ऊपर। सर, पर अपने लोग भी मारे जाएंगे। तुझे अपने लोगों की बड़ी फिक्र हो रही है क्यों? और मुझे उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन गांव वालों का आज मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इनमें से कोई भी बचने ना पाए, एक एक को चुन चुन के मारो।
सर सब जगह ढूंढ कर देख लिया लेकिन तरुण सर कहीं नहीं मिले। इसे उठाकर ले चलो।